झारखंड में रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन होने की वजह से मछली के कारोबारियों को बड़ा नुकसान हुआ है। आंध्र प्रदेश से मछलियों से लदे 5 ट्रक जमशेदपुर के मछली बाजार में आकर खड़े हो गए। कारोबारियों को उम्मीद थी कि रविवार को छुट्टी के दिन मछली की अच्छी खासी डिमांड रहेगी। कारोबारियों का कहना है कि 5 ट्रक मछली आंध्र से मंगवाने में 50 लाख रुपए का खर्च आया है। अगर रविवार को ये मछली बाजार में बिक जाती तो खर्च के साथ कुछ मुनाफा भी निकल जाता, लेकिन अब मछली से लबालब भरे ये 5 ट्रक कारोबारियों को मुंह चढ़ा रहे हैं। अगर ये मछलियां रविवार को बिकती तो इसकी अच्छी कीमत भी मिल जाती, लेकिन सोमवार को इसकी 20% कम कीमत मिलेगी। वहीं मछली कारोबारियों का कहना है कि सरकार के नियमों को तो मानना ही पड़ेगा। हालांकि रविवार को माल नहीं बिक पाने से हुए नुकसान का दर्द उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आया है। बहुत नुकसान हुआ, माल बिकाने कच्चा माल खराब हो जाएगा। समझे, आज संडे के दिन छुट्टी रहता था, सब अफसर जितना भी सर्विस वाला लोग का, तो आज जितने भी बेचने वाले हैं सबको 2 पैसे कमाने का मौका संडे के थी। अब तक 5 ट्रक मछली आपका खड़ा, कितने का होगा माल? 50 लाख का माल। क्या कहना चाहते हैं, आज नहीं उठेगा तो? आज बंद हो गया, कल बिकेगा, माल कम दाम में बिकेगा, आज थोड़ा दाम ज़्यादा दाम में बिकता। आज के बनिस्पत, आज के बनिस्पत कल उसका रेट 80% होगा, आज 100% बिका, कल 80% बिकेगा। बस कितना ट्रक मछली आता है डेली? डेली 5 ट्रक आता है। आज जो नहीं उठ रहा तो क्या परेशानी है? परेशानी क्या, बंदी है आज। सबसे ज़्यादा कौन दिन बिकता है आप लोगों का? संडे के दिन, सबसे ज़्यादा संडे के दिन। क्या बोलना चाहते हैं सरकार? बंद है तो क्या? मछली कारोबारियों का कहना है कि बर्फ में ज्यादा वक्त तक रखने से मछली की क्वालिटी और टेस्ट में कमी आ जाती है। आंध्रा से आने वाली मछली को खरीदने से पहले ग्राहक ज्यादा मोल भाव करेंगे, इसीलिए मछली के खुदरा कारोबारी अब कम कीमत पर माल बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज बहुत लॉस है, जैसे 5 गाड़ी आया, माल नहीं बिका, क्योंकि बंदी है सरकार की तरफ से, तो भाई कैसे चलेगा, सभी को परेशानी है। कल इस आज जो अच्छा रेट में बिक लेगा, कल लॉस में माल बिकेगा। ये मंडी का नाम क्या है? बिष्टपुर फिश मार्केट। जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड में रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। यही वजह है कि जमशेदपुर की सड़कें वीरान नजर आ रही हैं। रविवार को केवल दवा की दुकानें ही खुली रहेंगी, इसलिए मछली के कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उम्मीद है कि हेमंत सरकार मछली और मीट के कारोबारियों को आगे चलकर कुछ राहत जरूर देगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।